हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग A-Line Princess Cut Tunic की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। ट्यूनिक की पेपर कटिंग एंड क्लॉथ कटिंग की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ट्यूनिक है उसके फ्रंट पार्ट का लाइनिंग मटेरियल है। ये जो बीच वाला जो पार्ट है और ये साइड का पैनल है, साइड के पैनल को इस तरह से ये बीच वाले पार्ट पे ये पॉइंट रखना है, ये पॉइंट का 1/4 इंच उतना ऊपर रखना है और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से लगाते हुए ये स्टिचिंग इस तरह से लगानी है इस तरफ, और सेम पैनल ये जो दूसरा वाला पैनल है इसको भी सेम यहाँ पर इस तरह से रखना है और 1/4 इंच गैप पे फुल में स्टिच लगानी है। ये मेरा ट्यूनिक का फ्रंट पार्ट का मेन मटेरियल है। इसमें मैं पहले ये जो मेरा राइट साइड है, ये राइट साइड पे हम लोग इस तरह से स्टिच करेंगे, ये पार्ट पे स्टिच लगाएंगे और फिर ये स्टिच होने के बाद में मैं टर्न करके पीछे से वापस स्टिच लगाऊंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये धागे धागे निकल रहे हैं ये धागे नहीं निकले। पहले हम लोग इस तरह से स्टिच लगाएंगे यहां से और फिर इसको ही पीछे टर्न करके इस तरह से ये पार्ट पे स्टिच लगाएंगे, और सेम जिस तरह से हम लोग ये वाला पैनल अटैच करेंगे उसी तरह से ये दूसरा वाला जो पैनल है उसको भी सेम अटैच करना। ये आप देख सकते हो मैंने ये ट्यूनिक का राइट साइड है और राइट साइड पे इस तरह से स्टिच ली है। अब ये जो धागे धागे है इन धागे को पहले कट कर लेना है। अब ये ट्यूनिक को उल्टा करेंगे और ये जो स्टिच है ये स्टिच को वापस पकड़ के इस तरह से और 1/4 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। बैक साइड भी मैंने बैक स्टिच लगा दी है ताकि हमारे जो इस तरह से धागे धागे, ये कपड़े में बहुत धागे धागे निकल रहे हैं सो नहीं निकले। ये हमारा ट्यूनिक का बैक साइड है और बैक साइड का ये मेन मटेरियल है और मेन मटेरियल का भी ये सीधा साइड है कपड़े का और ये वाला उल्टा साइड है। ये सीधे साइड पे हमारा जो लाइनिंग मटेरियल है इसको रखना है और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। यहाँ से स्टिच लगाते हुए इधर इधर ये शोल्डर पे और ये आर्म होल पे एंड करेंगे। इस तरह से हमने ये स्टिच लगा ली है। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो शोल्डर पार्ट है इसको ओपन रखना है दोनों शोल्डर को। अब ये ट्यूनिक का फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का ये मेन मटेरियल है और मेन मटेरियल का भी ये राइट साइड है। अब ये जो मेन पार्ट रखा है इसके ऊपर हमारा जो लाइनिंग पार्ट है, लाइनिंग पार्ट का भी ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। जो राइट साइड है उसको राइट साइड की तरफ फेस करना है और इसमें भी हम लोग ये शोल्डर से स्टिच स्टार्ट करते हुए नेक में ऊपर शोल्डर पे और आर्म होल पे यहाँ पर एंड करनी है स्टिच।
इसमें भी मैंने बैक की तरह सेम स्टिच लगा ली, इसमें सिर्फ शोल्डर को ज्वाइन करके रहता है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का ये जो शोल्डर है उसको ये जो बैक पार्ट ओपन रखा है इसके अंदर डालना है, और ये शोल्डर को भी इसके अंदर डालना है। ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करना है, और ये शोल्डर को हाथ से अंदर की तरफ लेना है और इसको टर्न करना है इस तरह से। अब ये जो फ्रंट का शोल्डर है और ये वाला बैक का शोल्डर है, ये फ्रंट वाला अंदर है, इन दोनों को एक लेवल में रखना है और हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है। सेम दूसरे वाले शोल्डर में भी उसी तरह से करना है। इस तरह से आप देख सकते हो हमने ये शोल्डर अटैच कर लिया है। अब ये जो आर्म होल है, आर्म होल पे ये प्रेस स्टिच लगाएंगे एकदम कॉर्नर पे, इधर यहाँ से स्टिच करते हुए ये पूरे आर्म होल में लगाएंगे, और सेम उसी तरह से दूसरे आर्म होल में भी लगाएंगे, और ये जो नेक है नेक में भी एकदम कॉर्नर में यहाँ पर प्रेस स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड में। अब हम ट्यूनिक की फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए सबसे फर्स्ट ये पार्ट जो है ये एंड पे रखने का है मेजर टेप को, और ये एंड तक लेके जाना है। ये है मेरा 21.5 का डबल हो गया है 43, और मेरा जो एक्चुअल बस्ट साइज है वो है 38, तो 43 माइनस 38 हो गया है 5 इंचेस, तो 5 का हाफ करना है 2.5 इंच, 2.5 का अगेन हाफ करना है तो हो गया 1/4 इंच, तो दोनों साइड पे 1/4 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए फर्स्ट लाइनिंग के दोनों पीसेस को एक तरफ लेना है, और ये अपना जो ड्रेस का मटेरियल है उसको दोनों को एक तरफ लेना है, और ये जो हमारी आर्म होल की जो स्टिच चाहिए ये स्टिच को मैच करना है। ये मैच करके एंड पार्ट से 1/4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और सेम इस तरफ भी दोनों स्टिच को मैच करके 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये जो मार्किंग की थी मैंने वहां से लाइनिंग वाले मटेरियल पे एंड तक शेप देते हुए मार्किंग करनी है। सेम ये साइड पर भी उसी तरह से मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम लोग जो मेन मटेरियल है ट्यूनिक का वो साइड पे भी सेम मार्किंग करेंगे जो हम लोग ने मार्किंग की थी वो पॉइंट से। सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मार्किंग करेंगे। अब जो लाइनिंग का एंड है वहां से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो मेन मटेरियल का जो एंड है वहां तक फुल स्टिच लगाएंगे। सेम स्टिच दूसरी साइड पे भी लगानी है। फिटिंग की स्टिचिंग होने के बाद में जो नीचे का एंड है एंड को इस तरह से फोल्ड करना है, फर्स्ट 1/4 इंच फोल्ड करना है, फिर अगेन 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच लेनी है, यहाँ पर फुल बॉटम में स्टिच लेनी है। सेम इसी तरह से लाइनिंग के भी एंड पे ये जो स्टिच लगाया है मैंने फिटिंग का वहां से पकड़ना है और डबल फोल्ड करना है, सिंगल एंड देन डबल ऐसा फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है, और ये स्टिच फुल राउंड में लगानी है नीचे।
सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा A-Line Princess Cut Tunic की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।